तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G34 5G फ़ोन में आप कैसे फ़ोटो बैकग्राउंड को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं मोटो G34 5G फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोटो बैकग्राउंड कैसे इरेज कर सकते हैं मोटो मोबाइल में। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्रोम आइकन्स पे जाना है। तो क्रोम आइकन्स पे जब आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से, तो आपको ये सर्चिंग ऑप्शन दिखेगा। तो आपको सर्च करना है रिमूव बैकग्राउंड, तो इस पर क्लिक करना है। तो रिमूव बैकग्राउंड सर्च करते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं आप। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो जहाँ से आप इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी इमेज को आप इरेज करना चाहते हैं बैकग्राउंड को, तो आप कर पाएंगे। सिंपली हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो भी फ़ोटो बैकग्राउंड होगा आपके फ़ोन से इरेज हो जाएगा, देख सकते हैं। अगर इरेज होती है आपके फ़ोन से हट जाएगा। तो इस तरीके से आप फ़ोटोज़ बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं यहाँ से। चाहे आप कोई और फ़ोटो बैकग्राउंड आप लेते हैं, तो उसको भी बैकग्राउंड आप इरेज कर पाएंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप। तो कुछ इस तरीके से आप इस रिमूव बैकग्राउंड के जरिए फ़ोटोज़ वगैरह को अपने फ़ोन से इरेज कर सकते हैं बैकग्राउंड को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।